हाय डियर्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। चैप्टर हमारा 13 चल रहा था, जिसमें पार्ट 3 हो गए थे। पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे आज। तो इसमें प्रैक्टिस टाइम हमारा बाकी रह गया था, तो पेज नंबर 177 प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। तो चैप्टर 13 प्रैक्टिस टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुखी वर्क्स ऑन ए फार्म, ही इज पेड ₹98 फॉर वन डे, इफ ही वर्क्स फॉर 52 डेज हाउ मच विल ही अर्न। सुखी जो है एक फार्म पे काम करती है, ठीक है, उसको एक दिन के ₹98, वन डे की कितनी सैलरी मिलती है ₹98, तो उसने वहां पर 52 डेज वर्क किया, तो उसको हाउ मच विल ही अर्न, तो उसने कितना पैसा कमाया, उसको कितनी सैलरी मिली। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको लिखते हैं हम यहाँ पे सैलरी फॉर वन डे की सैलरी कितनी है ₹98, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 98। तो कितने दिन उसने काम किया, ही वर्क फॉर 52 डेज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, 98 में 52 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब वो एक दिन में ₹98 कमाता है, तो वो 52 डेज में कितने रुपए कमाएगा, इसके लिए हम 98 में 52 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 8 जा 60 के लिए 81 2 9 जा 81 और 90 मल्टीप्लाई 5 8 जा 40 40 का 0 के लिए 4 और 5 9 जा 45 45 में 4 प्लस कर देंगे तो 49 6 9 10 और 5 तो 5096 उसको उसने प्राप्त किए कितने दिन में, 52 डेज में। तो इस टाइप से ये सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाला है, हरिया टुक ए लोन ए बिल्ड दिस हाउस, ही हैज टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ फॉर 2 इयर्स, हाउ मच ही विल ही पे बैक इन 2 इयर। अब वो हरिया ने क्या किया, घर बनाने के लिए लोन लिया, और उसने कितना वापस कर रहा है, वो ही हैज टू पे बैक ₹2750 एवरी मंथ कितना दे रहा है, वो 2750। तो वो कितने, अब 2 इयर्स में कितने मंथ होंगे, 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 2 ईयर में 24 मंथ्स हो जाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2750 में हम 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू 24, 4 का 0 में करेंगे तो 0, 4 5 सा 20 के लिए आएगी 2, 4 7 जा 28 और 2 30 के लिए आएगी 3, 4 2 सा 8 और 3 11, 2 का 0 में करेंगे तो 0, 2 5 सा 10, फिर 2 7 जा 14 और 1 15, 2 2 सा 4 और 1 5। टोटल उसने 2 ईयर में 66,000 वापस किए। तो इस टाइप से ये बहुत ही सिंपल है। अब पेज नंबर 179 गोइंग राउंड एंड राउंड, क्या है, गोइंग राउंड एंड राउंड, इसमें मल्टीप्लाई करना है हमको। गोइंग राउंड एंड राम क्या है, 1 4 2 8 5 7 8 5 7 into 1। अब 1 का 7 में करेंगे तो 7 आ जाएगा, 1 का 5 में करेंगे 5 आ जाएगा, 1 का 8 में करेंगे 8 आ जाएगा, 1 का 2 में करेंगे 2,
फोर और सेम एज इट इज आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये कंप्लीट हमारा हो जाए। उसके बाद है डिवीजन। डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग, डिवाइड। ठीक है, तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं 9588 को कितने से? 6 से। कितने से? 6 से। आप देखो इसमें जो सॉल्व किया हुआ है उसमें 6 5 का कितना होता है? 6 5 का, तो सबसे पहले 500, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे, 8 में से 0 गया तो 8 5, और 9 में से 3 माइनस किया तो 6। ठीक है, कितना आया? 6588। तो अब इसको वापस से फिर 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इससे करेंगे तो हमारा फिर क्या आंसर हो जाएगा? 3000। से माइनस कर देंगे, 8 का ये 3 कितना आया? 3588। तो फिर इसको हम 500 से डिवाइड करेंगे, फिर से यहां पे 3000 आ जाएगा, 8 का ये 5। अब कितना आया? 588। ठीक है, अब इसको हम 69 का कितना होता? 54 इज 90, तो यहां पे आ जाएगा 540। फिर माइनस करेंगे 48, तो ये 48 कितना है सर? 68 का कितना होता है? 68 का 48। जब आप 48 में से 48 को माइनस करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? रिमाइंडर क्या रहेगा? 0। तो ये जो भाग, ये 6 है, ये क्या है? डिवीजन है। ये 9588 इसको क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बोलते हैं। ऊपर जो आंसर आ रहा है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, और अगर नीचे कोई नंबर रह जाता है, बाकी रह जाता है, तो उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। टाइप से ये सिंपल रहेंगे। अब ये प्रैक्टिस टाइप में डिवाइड किए हुए हैं, इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट वाला है 4228, कितना है? 4228 डिवाइडेड 4, 4 से डिवाइड करना। ठीक है, आप जैसे हम लोग डायरेक्ट करना चाहे तो डायरेक्ट 4 में से कितना होता है? 4, सिंपल मेथड। अब 4 में से 4 गया तो 0। अब यहां पे कितना बचा है? 2। अब ये 4 बड़ा नंबर है और छोटा नंबर डिवाइड होगा, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 2 डिजिट लिखते हैं, 22। उसके लिए यहाँ पे फिर हमको 0 लगाना पड़ेगा। फिर 4 5 का कितना होता है? 20। 4 5 का 20, 2 में से 0 गया तो 2, और 2 में से 2 गया तो 0। अब क्या बच रहा है? 8। तो 4 7 का 28, 0 0। समझ में आ गया? जब हमने 4228 को 4 से डिवाइड किया तो हमारा क्वेश्चन क्या आया? 1057। इस टाइप से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो बहुत ही सिंपल है। तो आप लोग अच्छे से इसको सॉल्व करें, इस टाइप से ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू।